हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। आज चलते हैं कहीं हम घूमने। चलिए आज एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस सिलसिले में धूप के साथ। लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हम घूमने आए हैं यहाँ गोरखपुर के जू उद्यान में। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको घेर के रखा गया है। चलिए दिखाते हैं। सी गाइस, लोग घूमने आए, ठंडे में तो बहुत कम ही लोग घूमने आते हैं। हम लोग भी गए थे वैसे ही, लेकिन धूप अच्छा निकल रखा था। देखिए आगे भी चल के आपको दिखाते हैं, पहले हम जानवरों से कुछ मिल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन तोतों को ठंड से सारे सिकुड़े हुए हैं और खाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ खा भी नहीं रहे जल्दी से, क्योंकि इन लोगों को ठंडा भी लग रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा ही है, आप लोगों को भी पता है गाइस कितनी ठंडी लग रही है। तो ये तो जानवर ही हैं। सी गाइस, एंजॉय। चलिए अब आपको चलते हैं तो सांगे का नज़ारा दिखाते हैं। कितनी हरियाली है, देख के तो अच्छा लग ही रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए कहीं घूमते हैं। और ये देखिए हम लोग बैठे थे जहाँ धूप में, बहुत अच्छी धूप आ रही थी, तो हम बच्चे कुछ खेले थे, वो भी सोचे कुछ खेल लेते हैं। तो फिर हम जब रिकॉर्ड करने लगे तो बच्चे मेरी तरफ ही देखने लगी, कुछ खेल ही नहीं रही थी। सोच रहे अब खेले, तो भागे जा रही थी, फिर खेलना स्टार्ट कर दी कुछ देर में। देखिए देखिएगा गाइस, सी उसको लग रहा है कि हम लोग उसी का रिकॉर्डिंग करें, तो वो देखे जा रही है, अब फिर खेलना स्टार्ट कर दिए। उस समय तो देख के मन कर रहा था यार हम लोग भी खेल लेते हैं। कितनी अच्छी धूप निकली थी, उस धूप में बैठना हरियाली के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने ठंडी में। फिर सोचा कुछ फोटो शूटिंग करा लेते हैं। ठीक है, लग रहे हैं ना पुराने ज़माने की हीरो हीरोइन की तरह। सो एंजॉय विथ मी। फिर अब हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ रिकॉर्ड पर कर पाए। देखिए जब हम लोग बाहर वहाँ से निकलने लगे तो हमें एक बरसिंघा दिखा, मतलब हिरन। तो चलिए दिखाते हैं वो भी। ये बरसिंघा, इसके मतलब होता है ना सिंह, मतलब डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे, उसमें 12 सिंह होते हैं, इसलिए उसका नाम बरसिंघा रखा गया है। सी गाइस, फिर हम लोग बाहर निकलने लगे तो चारों तरफ का एरिया घेर रखा था, रिस्ट्रिक्टेड बना रखा, तो ज़्यादा घूम रहे। फिर हम लोग रास्ते में बंदर तो इतने सारे दिखे गए, तो वहाँ दिख रहे बंदर, बहुत सारे बंदर थे, बहुत ज़्यादा ही। लग रहा था उनसे डर के काट ना ले कहीं। फिर हम लोग वहाँ से करते करते वहाँ से निकल गया। फिर हम लोग सोचे कि देखिए बरसिंघा का प्रोसेस दिखाते थे, पिक लिए थे, तो ये बरसिंघा अंदर बैठा है। फिर आपसे आगे मोर सब भी बहुत सारे थे, लेकिन पता है वो मोर बहुत मुरझाए हुए, सूखे से बूढ़े से हो गए थे, ठंड के मारे तो पूरा कुड़ गए थे, तो एक जगह जाके खड़े हो गए थे उन लोग भी। फिर उधर सांप सब थे, बहुत कुछ था जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो ऐसे ही बता देते हैं। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और धूप इतनी अच्छी खासी हो रखी थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। सोचा ना कि मूवी में शूटिंग होती है कि आदमी जगह से गुजरता है, धूप दिखते रहता है, तो उसी टाइप से मूव लग रहा था सिंह। तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था और धूप आ रही थी बहुत ही अच्छा। फिर हम लोग आते आते देखे तो हाथी रास्ते में दिखने लगी। देखिए होता है जोर से देखे हैं जानवर को, फिर जानवर और रास्ते में मिल गई। तो ये एयरपोर्ट करना जा रहा है गाइस, तो सोचा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आए कुछ खाने और बाहर जाएं कुछ ना खाएं, ऐसा कभी हो सकता है, मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलते हैं हम लोग कुछ खाने। तो हम गए हैं वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट, एक है कोस्ट राइड, जो होता मतलब कॉस्टली बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उसका पता है अपार्टमेंट अलग अलग बना रखा था, मतलब उसने कैबिन टाइप से बना रखा था, अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी भी अच्छा खासा मेनटेन रखा था दो के लिए। और होता ना कि कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर तो लोग उस टाइप का डेकोरेट भी करके रखते हैं, पहले से आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो बहुत ही प्यारा था। एक बार हम लोग रात में गए थे तो उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था किसी ने, करवा रखा था किसी के लिए, कोई बर्थडे पार्टी था।
तो बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस स्टेज उस दम लोग दिन में था। ये बोतल कितना क्यूट सा है ना, ड्रिंक का नहीं है पानी का ही है। यहाँ पर ड्रिंक कलर वाले मतलब ड्रिंक मिलते कोल्ड ड्रिंक से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से डेकोरेटिव करके दिया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। ये बाहर से हम लोग किनारे बैठे तो शीशे साइड से बाहर का रोड सब दिख रहा था, तो हम लोग बैठ के कुछ इन्जॉय करते तो वेट कर रहे थे आने का, तो सोचे हम कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो वहीं कर रहे थे। सी गाइस उधर देखिए, इधर ही कंपार्टमेंट सब बन रखा है, डिपार्टमेंट सबका अलग अलग, इसमें किटी पार्टी लोग करते हैं। फिर हम लोग आ गया जो हम लोग मंगाया था स्नैक्स, मैंने मंगाया था स्प्रिंग रोल सी, इसको डेकोरेट करके दिया था इस ट्रे में, चारों तरफ से बंधा गोभी को कैबेज को अच्छे से अरेंज करके दिया था, और चटनी तब तक मैंने निकाला था, तो फिर सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ, तो फिर मैंने करने लगा। ठीक है, ग्लास तो इतने खूबसूरत थे कि, और वो बोतल मन किया कि उसको रख ही ले पास में। खाना है गाइस, आप भी सोच रहे हैं कि मैं क्या ही बोलते रहती हूँ। अब आ रही थी रसगुल्लों की, देखिए इसको धीरे से कट किया फिर खाया, तो धीरे धीरे से उठा के, तो खाने का तो मन कर ही रहा होगा आप लोगों को, तो आज इसी के साथ विदा लेते हैं गाइस। एंजॉय कीजिए स्वीट्स के साथ, और मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय गाइस।